एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप्स गाइस सब लोग बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो गाइस आज जो है मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। सो हाँ, हमें जो है हेयर कट वगैरह करवाना है बढ़िया सा, और उसके बाद शेव वगैरह भी करवा देंगे। और एक हमारे भाई आ रहे हैं, उनसे मिलने भी जा रहे हैं स्पेशल, तो वहाँ कॉलेज में आए हुए हैं। तो अभी वो उनका कॉल आया था कि हाँ आ जाओ, तो मेरे को था उनसे काफी टाइम से मिलने का, बट हाँ वो आ नहीं रहे थे, तो आज वो आया। तो चलते हैं फटाफट से, बाल वगैरह भी कटवाते हैं जा करके, और भाई से भी मिलते हैं। और शायद आप लोग जानते ही उन्हें, पिछली वीडियोस में भी आए थे वो, शायद क्या जानते ही उन्हें आप लोग, सब भी जानते उन्हें उनको। तो चलते हैं और मिलते हैं उनको भी, और बाल वगैरह भी कटवाते हैं, लेट्स गो भाई चलो। तो अब और एक्चुअली आज हमने न्यू पार्किंग बना दी हुई है भाई, मतलब पहले मैं दूसरी जगह खड़ी करता था, तो मैं यहाँ पे खड़ी करता हूँ नीचे पार्किंग में। बढ़िया मम्मी, ये है न्यू पार्किंग, बट यहाँ पे काम चला हुआ अभी फिलहाल के लिए, हम लोग निकलते हैं बस फटाफट। चलो यहाँ पे मैंने बाइक तो लगाई है, बट वहाँ पे पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, तो बाइक लगाना भाई सेफ नहीं है। राइट यार, मैंने बाइक भी लगा दिया, अब जा रहा हूँ मैं भाई से मिलने के लिए। ओहो भाई साहब, बड़े भाई कैसे हो आप, ठीक हो? आ जा, कॉल उठाने का क्या है तुमको, आ तो जा। कहाँ भाई, ये गलियाँ याद नहीं रहती यार मेरे को, कहाँ कहाँ से रास्ता है। ऑलराइट यार, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मतलब हाँ भाई बुला रहे थे ना, तो हाँ फटाफट से आ गया मैं। तो आज भाई भाई ट्रीट दे रहे हैं, ये सामने भाई है, कर दो भाई। नमस्ते जी, कैसे हो आप? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई, कैरी मिनाटी बन गए आप तो, छोटे वाले हैं ना? कैसे हैं आप लोग? छोटे वाले। अच्छा, आपकी है ना। तो भाई अब भाई जो है मेरे को पार्टी करवा रहे हैं, शेक वगैरह पिला रहे हैं, क्योंकि भाई को बताया कि मैं जिम जा रहा हूँ ना, और भाई खा रहे हैं बढ़िया। हाँ काफी ज्यादा मोटा हो गया हूँ, तगड़ा नहीं हुआ हूँ, स्मार्ट नहीं हुआ हूँ, मोटा हो रहा हूँ धीरे धीरे। आप दोनों अच्छे लग रहे हो, आप दोनों अच्छे लग रहे हो। एक पेप्सी बच गई थी हमारी, तो हम इस बंदे को दे रहे हैं पीने के लिए, शर्म भी नहीं कर रहा है, हर पी भी जा रहे हैं, पैसे भी निकाल रहे इसके, दो पैसे भी निकाल रहे भाई इसके। हाँ 10,000 ये अपना फोटोशूट भी कम्प्लीट हो गया है, तो आप दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं फोटो। तो हाँ चलते हैं, बस मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट टाइम। बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ आज मैं भाई से मिल करके, मतलब हाँ मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा था आज कल में, बट भाई से मिलने के बाद मैं मोटिवेट हो गया, मोटिवेशन की आ रहा है। अब तो मेरे को लग रहा है कि मैं यूज हूँ, अब मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं यूज हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलते हैं भाई, है ना? अब कितनी ज्यादा सही आ रही है वीडियो ना, ये लाइक हमें लगा फैन हो गया है। भाई मैं एक और मोटिवेट कर दिया, मतलब फोन की सेटिंग भी बता दिया है, अब पहले से ज्यादा क्लियरिटी आ रही होगी अभी की वीडियो में, पहले भी ज्यादा क्लियरिटी वाले ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ भाई सही बात है, अब मेरे चैनल वैसे मिलेंगे भाई। तो भाई थोड़ी सारे कम हो गई, लेकिन भाई सब की है कैसे, इस बात है भाई को काफी ज्यादा टाइम हो गया, जिस बात में मेरी शादी हुआ तो मैं हार जाऊंगा, तो कृपा करके मुझे ये माइंड सेट को आप
लेकिन गलत फॉर्म में उठाएगा उसको इंजरी हो जाएगी।
सबसे बढ़िया भाई अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाओ, वर्कआउट करते जाओ, क्योंकि भाई ने भाई मेरा हेलमेट कहीं छुपा दिया, शायद प्रैंक कर रहे हैं भाई, पर मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, कहाँ पे है, किसी भी डब्बे में हो सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो है एक डब्बा, कहाँ हो सकता है भाई हेलमेट मेरा, प्रभु की शरण में हो सकता है, सोच लो कहाँ पे सकता है, इतने ही हिंट दिए मैंने आपको, प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, आप देख लो कहाँ पे सकते हैं प्रभु, देखो आंखें प्रभु, ये प्रभु ढूंढ रहे हैं, कुछ हो सकता है, मेरा हेलमेट पता नहीं कहाँ आ गया, नहीं इसके अंदर नहीं है, ये है पंखे के पीछे तो नहीं है, यहाँ पे इसी में ही है, हाँ एक और इंटर इसी में है ना, अच्छा मिल गया फाइनली यार, इसके पीछे छुपा हुआ था, आप लोगों ने सोचा मेरे को मिलेगा नहीं, पर मिल गया भाई, हाँ बनाने अंकल की दुकान के सारे डब्बे खोल देने थे भाई, अगर पता नहीं लगता कि ये हेलमेट यहाँ पे है, प्रैंक काफी ज्यादा बुरा लगा यार मेरे को, दिल से बुरा लगता है, मैं तो नीचे ले आई है, ठीक है भाई बढ़िया से काटना, ठीक है हाँ बढ़िया, बाल काटने का ब्लॉग बनाते हैं आज, मैं अब रोड वैली का माल ठीक है, जिम में पहुंच गया हूँ बढ़िया एकदम से, तो अब भाई हम लोग खाएंगे ये बनाना और उसके बाद खाएंगे कॉफी पियेंगे और उसके बाद करेंगे भाई एकदम से वर्कआउट, मतलब एकदम बढ़िया आला, और भाई से मिलके मोटिवेशन भी मिल चुकी है आज मेरे को, तो हाँ अब से हम जो है अपने फोर आर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है जो ये वाला हिस्सा होता है ना इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, सो ऑल राइट एक्सरसाइज करते हैं आज शुरू, लेग की एक्सरसाइज है साथ में, अब लेग के साथ में प्लस कर रहा हूँ फोर आर्म की एक्सरसाइज, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से, इंप्रूव करते हैं धीरे धीरे और फिर करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, फिर करते हैं आप लोगों से बात, स्टिंग वगैरह पीते हैं बढ़िया एकदम, और पानी की बोतल आया तू दो, हम दो ही भाई अभी जिम में कोई भी नहीं है, सो एक्सरसाइज कर, फाइनली हम जिम से आ गए बट भाई बाहर बारिश लगी है खतरनाक, तो मैं कार में बैठा हुआ हूँ अभी, तो यहाँ पे बाहर है भाई बाइक वाली, फिलहाल के लिए मैं कार में बैठा हूँ क्योंकि भाई बाहर जो है वो खतरनाक वाली बारिश लगी है ना, तो थोड़ी देर बाद चलते हैं इधर से हम लोग, खतरनाक की बारिश लगी है वो सामने जिम, और भाई इधर बैठे हुए हैं सारे, हम तो यहाँ पे है कार में बढ़िया, हाँ तो बना रहा हूँ मैं, ये भाई बैठे हुए मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया जगह, रुक जाओ बारिश लगी है,